हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो का जो वन प्लस है वो अपना नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, वन प्लस नोट टू टी। आपने देखा होगा वन प्लस नोट टू को, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था इंडियन मार्केट में, काफी अच्छे फीचर्स उसमें मिले थे और काफी अच्छा स्मार्टफोन था। वन प्लस है उसी के सक्सेसर वेरियंट वन प्लस नोट टू टी को इंडिया में लॉन्च करने वाला है और इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको दिए गए। नोट टू से भी काफी ज्यादा अपग्रेड इसको किया गया है, काफी अच्छे फीचर्स दिए गए। तो यहाँ से इसके फीचर्स लीक हो चुके हैं, प्राइस लीक हो चुकी है और लॉन्च डेट भी लीक हो चुकी है, कब लॉन्च होगा। तो चलिए बना देर के इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। सो अगर सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स में बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। उसके बाद बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी आपको यहां पर 4500 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। उसके बाद बात करें प्रोसेसर की, सर इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। उसके बाद बात करें कैमराज की, तो इसमें आपको रियर साइड में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, जिसमें कि आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छा कैमरा होगा, काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे देगा। उसके बाद बात करें अदर फीचर्स की, जैसे कि इसमें आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और भी जो बेसिक फीचर्स होते हैं सभी स्मार्टफोन्स में वो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब ये कब लॉन्च होने वाला है, अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में जो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसकी बात करें तो प्राइस बताया जा रही है कि 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब।